यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और भारतीय हिंदू धर्म के त्योहारों, पर्वों और जनोल्लास के पर्वों को जानने के लिए राजेंद्र हजपा चैनल को लें। भाई दूज यानी भैया दौज क्यों और कैसे मनाने का कारण और किस प्रकार मनाई जाती है, आज हम आपको बताते हैं। मानव में बहुत सी संवेदनाएं होती हैं, जैसे लोभ, मोह, माया, भय, मृत्यु भय, क्रोध, अहंकार इत्यादि। परंतु मानवीय संवेदनाओं में प्रमुख स्थान भय और मृत्यु भय का ही है, तो भय के निस्तारण हेतु सहारा भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई 4-5 वर्ष का बच्चा घर से बाहर खेल रहा है, तभी अचानक बादलों में घोर गर्जना हो जाए और बिजली भी चमके, तो बच्चा भय के मारे घर को भागता है और जाकर के अपनी माता से चिपक जाता है, लिपट जाता है, क्योंकि उसे भय व्याप्त हुआ और उसने अचानक गर्जना और उस भय से बचने के लिए सहारा लिया अपनी माँ का। ठीक उसी प्रकार यमराज भी मृत्यु भय का दूसरा नाम है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। भारतीय परंपरा अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ही किसी व्यक्ति के प्राण लेने आते हैं, और भैया दूज की कथा भी इसी भय से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, जो एक आस्था है, एक विश्वास है। सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य पुत्री यमुना माने गए, इनकी माता का नाम संध्या था, और संध्या देवी सूर्य के तेज को न सहन कर पाने के कारण वहां से अपने मायके चली गई, अपने पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को घर पर छोड़ दी। पुत्र यमराज और पुत्री यमुना बड़े प्रेम से रहने लगे। काफी दिन व्यतीत होने के बाद उनकी शादी भी हो गई और वो समय बिताने लगे। बहन थोड़ा पृथक भाई से होने के कारण ये चाहती थी कि भाई का सत्कार, सम्मान, प्यार, स्नेह किस प्रकार झलकाऊं, तो बहन यमुना ने भाई यमराज को आमंत्रित किया कि भाई मेरे घर एक दिन भोजन तो करो। बहन के आग्रह पर यमराज अपनी बहन के घर भोजन करने गए और कार्तिक शुक्ला द्वितीया यानी भैया दूज के दिन उन्होंने बहन के हाथ से बना हुआ उत्तम पकवान और भोजन किया। भोजन करने के उपरांत यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा कि हे सूर्य पुत्री, बहन यमुना, मैं आपकी सेवा भाव से, स्नेह से, वात्सल्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई वरदान मांगे तो। भाई से बहन ने ये वरदान मांगा, पहले तो भाई को टीका लगाया और टीका लगाने के बाद ये वरदान मांगा कि जो बहन इसी प्रकार भाई को टीका लगाकर, नारियल में ओम स्थान देकर सत्कार करे, उसे भोजन कराए, उसे आपका भय न हो, यानी उसे मृत्यु भय न हो, यानी आप यमराज का भय न हो, तो इतना वरदान मांगने के बाद बहन शांत हो गई और भाई यमराज ने कहा तथास्तु, बहन चिंता न करो, ऐसा ही होगा, और ऐसा कहकर यमराज चले गए। तब से इसी भाई दूज के दिन बहन द्वारा भाई की दीर्घायु के लिए कामना की जाती है। बहन चाहती है कि मेरा भाई अधिक से अधिक जिए और उसे यमराज का भय व्याप्त न हो।
और इस दिन एक मान्यता के अनुसार भाई टीका बहन से लगवाने से पहले, बहन से मिलन से पहले यमुना में स्नान करते हैं, शुद्ध और पवित्र होकर, तन और मन से पवित्र होकर तब बहन के पास जाते हैं और बहन उन्हें सूखे मेवे मिष्ठान भोजन पकवान इत्यादि प्रस्तुत करती है और परमपिता परमेश्वर से अपने भाई के दीर्घायु की कामना करती है। चौक उर्का के भोजन कराया जाता है और विधिवत बहन भाई का स्नेह प्यार और भाई का बहन को आशीर्वाद, बहन को भाई का आशीर्वाद, इस तरह का कार्यक्रम होता है और भाई भी अपनी बहन को इस दिन दक्षिणा स्वरूप भेंट और रक्षा का वचन देता है। पूरे भारत में भाई बहन का ये त्योहार पूरे स्नेह प्रेम वात्सल्य आत्मीयता श्रद्धा निष्ठा और भावना एवं विश्वास के साथ कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इसका सारांश ये है कि बंदे भगन भ्रातौ श्रद्धा विश्वास रूपो, मैं ऐसे श्रद्धा विश्वास रूपी बहन भाई की वंदना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बहन भाई।